हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करते हैं सिंपल सिंपल प्रोग्राम, जैसे एरिया फाइंड करना है, सर्किल का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, या तो कोई फार्मूला बेस्ड जो भी आप प्रोग्राम होते हैं उसमें करना क्या होता है। सिंपल सा क्या है, आपको इनपुट मालूम होना चाहिए, इनपुट क्या है, प्रोसेस मतलब कैलकुलेशन कैसे करना, आउटपुट क्या दिखाना, बस इतना ही मालूम होना चाहिए। सिंपल सा प्रोग्राम बताता हूँ कि हमको लेंथ एंड ब्रेथ इंटर करना है और हमको कैलकुलेट करके एरिया फाइंड करना है, ठीक है, इसी रेक्टेंगल का। तो क्या था, सबसे पहले क्या यूज किया हमने, पहले हमको हेडर फाइल इंक्लूड कराना पड़ेगा, एसटीडीओ डॉट एच, ठीक है, कॉन्यू डॉट एच, देन वाइड मेन। तो सबसे पहले हमको जो चाहिए वो लेंथ विथ इंटीग्रल, दो वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल का नाम अपने हिसाब से आप एल बी रख सकते हो और एरिया का ए रख देते हैं हम, ठीक है। तो हमने पहले यूजर से बोलेंगे प्रिंट एफ इंटर, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आप स्कैनर यूज कर लो, स्कैनर के थ्रू हम दोनों डेटा को रीड कर लेते हैं, दोनों इंटीजर टाइप के, तो इंटीजर टाइप से रीड कर लेते हैं, परसेंट डी परसेंट डी। अगर आप बहुत शिद्दत से कोडिंग कर रहे हो तो फ्लोट भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, आप फ्लोट बना दो। तो मैं यहाँ फ्लोट के लिए क्या होगा, परसेंट है, परसेंट है, फ्लोट के लिए परसेंट है। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि किस डेटा टाइप के लिए कौन सा आपका करेक्टर यूज होता है, तो उसके लिए आप डेटा टाइप वाला वीडियो देखिएगा, तब क्लियर हो जाएगा। तो मैं एड्रेस आप कामा करके एड्रेस आप एल और कामा करके एड्रेस आप बी करता हूँ। इसका मतलब क्या है, जो पहली वैल्यू कंसोल से रीड करो वो वैल्यू आपकी क्या है, वो एल में जाओ, और दूसरी वैल्यू रीड करो वो कहाँ लेके जाओ, बी में लेके जाओ, ठीक है। अब ये हो गया, हमको एरिया फाइंड करना, हमने इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद हमको एरिया फाइंड करना, तो एरिया कैलकुलेशन क्या होगा, ए इक्वल टू एल इंटू बी, इसका मतलब है एल और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो और ए में स्टोर कर दो। अब सिंपल सा प्रिंट अप करेंगे, प्रिंट अप करने के बाद हम यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू परसेंट एफ, क्योंकि हमने फ्लोट ले रखा है, तो यहाँ पर हमने ए ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर गेट सीज लगा देते हैं ऊपर नीचे, ऊपर सीएलआर सीएल लगा देते हैं क्लियर स्क्रीन के लिए, सीएलआर सीएलआर एस सी आर क्लियर स्क्रीन, ठीक है। उसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया था, गेट सी एच और सी एल एस सी आर गया, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम प्रीवियस वीडियो आप देखने आपको समझ में आ जाएगा, पल्ले पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हमने जब यहाँ पर इसको रन कराते हैं, रन कराने के बाद क्या बोला, इंटर लेंथ एंड ब्रेथ। तो मैंने मान लो सपोर्ट पहला दिया 10, 10 कहाँ गया, 10 किस पर रीड हुआ, वो लेंथ में गया, और फिर मैंने ब्रेथ दिया और 30 दिया, ब्रेथ कहाँ गया, वो आपका जो बी वाला वेरिएबल था बी में गया, और फिर L इंटू बी के एल मतलब आपका L मतलब 10 और B मतलब 30, दोनों मल्टीप्लाई करके एरिया हमारा जो है वो आपका कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा पॉइंट के बाद से जीरो जो आ रहा था, तो कम जीरो आए, मान लो 2 0 3 0 आए, तो यहाँ पर क्या क्या दिखाती है, पॉइंट टू मतलब कि आपका जो आउटपुट आ रहा है, जो पॉइंट में जितना ज्यादा आ रहा है वो केवल पॉइंट में दो ही वैल्यू दिखाए। तो यहाँ पर अब मैं रन करूंगा, तो मैंने 56 और 90 करता हूँ, तो पॉइंट में केवल दो ही वैल्यू दिखाता है, तो पॉइंट टू मतलब ये होता है कि आप दो ही वैल्यू में, पॉइंट वाइज दो ही वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से करके अब मान लो सपोर्टेड हमको अभी रेक्टेंगल का चाहिए या मान लो सर्किल का चाहिए, फिर सर्किल में कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर्किल में क्या मैसेज क्या हो जाएगा हमारा, इंटर रेडियस, रेडियस, ठीक है, रेडियस हो जाए तो यहाँ पर हमारा केवल होगा एक वेरिएबल ले लेंगे, केवल आर ले लेंगे, आर ले लेंगे, जैसे रेडियस इंटर करा लेंगे, तो यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू रीड करना है, तो रेडियस केवल इंटर होना, तो यहाँ पर केवल और केवल आर हो जाएगा रेडियस। हमारा फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा 3.142, जो भी आप पाई की वैल्यू जितना लंबा लिख सको उतना लंबा लिख दो, फिर आर इंटू आर, ठीक है, फिर आर इंटू आर, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर, ये हुआ आपका आर इंटू आर। तो ये इससे फाइनली हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। मैं तो अब करता हूँ, मान लो हमने दिया 10 का, 10 हमारा आएगा, इतना हमारा एरिया कैलकुलेट हो गया, चला आया, तो ये एरिया कैलकुलेट हो गया। इस तरीके से आप जो है अगर मान लो ट्रायंगल करना है, ट्रायंगल में क्या होता है, हाइट एंड बेस देते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इंटर हाइट एंड बेस, बेस। अब यहाँ पर आप वेरिएबल नेम जो भी दे सकते हो, वेरिएबल नेम आपके ऊपर है, आप कितना दे रहे हो, एच बी में देता हूँ हाइट एंड बेस के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, परसेंट एफ, दो वैल्यू रीड करानी है, तो पहले मैं एच में रीड करा लिया हाइट, और दूसरा हमारा जो है बेस एंड बी में करा लिया। हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है पॉइंट हाफ हाफ इंटू बी एच, ठीक है, 1/2 इंटू बी एच, तो
0.5 × H × P। तो ये फार्मूला हमारा हो गया, फार्मूला हुआ तो हमारा कैलकुलेट करके एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, फाइनली हम एरिया प्रिंट कर देंगे। हमने दे दिया 50 दे दिया, इसमें दे दिया 20 दे दिया, तो हमारा क्या हुआ, ये आपका एरिया कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से जो भी फार्मूला बेस है, फार्मूला बेस में बेसिकली आपको क्या समझना है कि इनपुट क्या क्या देना है, ठीक है। इनपुट देने के बाद खाली कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करने के बाद आपको आउटपुट दिखा देना है। जैसे एक और प्रोग्राम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या होगा, हमारे हमने यहां बोला कि इंटर प्रिंसिपल अमाउंट दो, अगर स्पेलिंग गड़बड़ होगा जस्ट चिल मारना, ठीक है। हम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, प्रोग्राम ही पढ़ा रहे हैं तो वो गड़बड़ चलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट रेट एंड एरिया, रेट एंड ईयर, ठीक है, जो भी ईयर का है। तो इसके लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं आपका, वो हमारा एक पी लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, एक हमारा आर लेते हैं पी ले लेते हैं टाइम के लिए, और एक हमारा जो है आई हम लेते हैं इंटरेस्ट के लिए। तो हम यहाँ पर तीन वैल्यू रेट करनी है, तो हम तीन वैल्यू रेट करने के लिए क्या करेंगे, परसेंट एफ परसेंट से परसेंट एफ, ठीक है, तीन हमारे ले दिया परसेंट एफ। अब यहाँ ने क्या किया, पी दिया, यहाँ आर दिया, और लास्ट वाले हमने जो है वो आपका आई दे दिया। उसके बाद हमारा फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, फार्मूला हमारा हो जाएगा I equal to पी आर टी डिवाइड बाई 100, तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये हमारा पी आर टी, तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई, ऑलरेडी मैंने आपको तो प्रोसीजर से बताया था, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा तीनों, क्योंकि सबसे पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड का सेम प्रोसीडेंस होने के कारण हम एसोसिएशन रूल को देखते हैं, जहां पर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, देन ये भी ये वाला मल्टीप्लाई होगा, देन ये डिवाइड होगा, देन 100 होगा, ठीक है। डिवाइड मतलब लास्ट में डिवाइड 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर हमने क्या लिखा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, ठीक है, हमने यहाँ पर आई दे दिया। अब यहाँ पर करता हूँ, मान लो मैंने 10,000 का 5% इंटरेस्ट के साथ दो साल में कितना हुआ हमारा, ये जो यहाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है, यहाँ गड़बड़ ये आ रहा है कि देखते हैं पी आर टी आई 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 मिनट को, तो एक मिनट को, यहाँ गलती से मैंने जो है वो आई रीड करा लिया है, टी रीड होगा, सॉरी थोड़ा सा लॉजिक गड़बड़ आ गया मामला। 10,000 × 5% 2,000 रुपए, तो हमारा यहाँ पर 1,000 रुपए हमारा यहाँ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो प्रोग्राम हिसाब से आप फार्मूला में जो भी प्रोग्राम होता है वो आपको बेसिकली आपको इनपुट समझना है, कैलकुलेशन करना है, आउटपुट दिखा देना है, बस इतना ही होता है, ज्यादा ताम झाम इसमें नहीं होता, ठीक है। तो और बेसिक और एक चीज देख लेते हैं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, पी आई पी इंटू 1+R/100 जो पावर एन होता है, मतलब एन हमारा क्या होता है आपका, एन हमारा तो पावर एन हमारा टाइम ही है। तो हमारा क्या फार्मूला है, जल्दी में फार्मूला हम एक बार देखते हैं, फार्मूला क्या होगा आपका, ठीक है, फार्मूला होगा पी इंटू सॉरी सॉरी यहाँ गड़बड़ा जो मामला, यहाँ ये फार्मूला नहीं है, ठीक है, तो मारो, ठीक है, इसको हटाने का मिटाने का, ठीक है, रेजर है, इसको हमारा 1+R/100, यहाँ ब्रेक यहाँ ऊपर जाएगा टी टी मतलब टाइम, जो भी एन लिखो या टी लिखो जो भी, ये फार्मूला है। तो इसको कुछ इस तरह से, क्योंकि आप इसी बात है कंप्यूटर में तो ऐसे लिख नहीं पाओगे, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा हमको, पी, ठीक है, मल्टीप्लाई लगाएंगे यहाँ पर, उसको ब्रैकेट में लिखाएंगे, एक फार्म एक हमारा पाव फंक्शन होता है, मैथ लाइब्रेरी अप्लाई करना पड़ेगा, पाव फंक्शन होता है, पाव ब्रैकेट में 1+R/100, ठीक है, कामा टी, ये लगाना पड़ेगा। तो पाव फंक्शन, पाव करता क्या है, अगर मैंने लिखा पाव x, y, इसका मतलब क्या है कि x के पावर y, ये आपका पावर फंक्शन का मेन काम यही होता है, ठीक है। तो हमारा x के पावर y ही हमारा पावर, यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा x हो जाएगा और इसके पावर y मतलब ये टी वाई, तो ये हमारा कि इसके पावर हमको टी चाहिए, इसके पावर टी चाहिए, तो हमको एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चलो अप्लाई करके देखते हैं इसमें प्रोग्राम में, तो कैसे करेंगे हम, तो प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए हमको यहाँ पर एक मैथ की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो हैश इंक्लूड
मैथ.एक्स, मैथ लाइब्रेरी, क्योंकि जो पावर फंक्शन होता है मैथ की लाइब्रेरी का होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनटू तो यहाँ लिखेंगे पाव, ठीक है, ब्रैकेट में वन प्लस आर डिवाइड बाई 100, ठीक है, फिर कामा करके यहाँ पर टी देंगे, फिर ये ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या सही आंसर आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारा क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट नहीं हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। जिस पर रन कराते हैं, रन कराएंगे तो हमारा, हेलो तुमने 10,000 दिया, फिर मैंने 5% पे 2 साल में हमारा क्या हुआ, हमारा 11,000 टोटल हमको जो पैसा मिलेगा। इसलिए हमारा ये टोटल पैसा दिखा रहा है, हमको अगर इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम प्रिंसिपल से इसको माइनस कर देंगे, जो भी हमारा इंटरेस्ट आया वो प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे, ये टोटल पैसा दिखा रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट होगा टोटल कर ले, तो प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे तो हमारा ये आपका आ जाएगा, तो 10,000, ठीक है, देन हमारा 5% का 2 साल पर, तो हमारा क्या आया, 1,025 रुपया आया, ठीक है। 1,025 हमारे यहाँ फाइनली हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से करके ये हमारा आई माइनस पी होगा, जो हमारा टोटल पैसा आया था, फिर जो स्टार्ट में हमने जमा किया था उससे माइनस कर दिया, तो आई माइनस पी करेंगे तो हमारा 1,025 रुपया आया, ठीक है। 10,000 2 साल 5, तो यहाँ पर 1,000, तो भी इतना पैसा आया हमारा। अच्छा, 2% के हिसाब से हमने 5 साल के लिए दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो जो भी आपकी जनरली जो भी फार्मूला बेस होता है वही होता है कि आप इनपुट लो, इनपुट लेने के बाद आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली आपको आउटपुट दिखा दो। तो बेसिकली इतना होगा, इस पहले इस प्रोग्राम को खुद से लिख करके इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मुझसे सोर्स कोड बिल्कुल मत मांगिएगा, मैं दूंगा भी नहीं। आप प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम खुद से टाइप करिए, खुद से करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से दिमाग घुसेगा। कुछ इरर आएगा, इरर भी समझेंगे। जैसे मान लो सपोर्टर में एक इरर कर रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, सेम को यहाँ पर जो साफ साफ दिखा रहा है, क्या दिख रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग सेमी कॉलन दिख रहा है। यहाँ पर जाओ तो अभी सी बात है, यहाँ पर इसके नीचे वाले लाइन पर सेमी कॉलन वाला उसके नीचे दिखाता है हमेशा, तो यहाँ पर सेमी कॉलन मिसिंग है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी चीज करेंगे तो आपको तुरंत इधर दिखाएगा। जैसे मान लो आई, हम यहाँ पर आई हमें डिक्लेयर ही नहीं किया और आई को यूज कर रहे हैं, आई में डिक्लेयर नहीं किया, आई को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हमारा दिखा रहा है, अनडिफाइंड सिंबल आई। इसका मतलब है कि आपने आई यूज तो किया है लेकिन आपने डिक्लेयर नहीं किया है, इसका जो है इधर यहाँ पर जाकर रखिए वो आई कर देंगे। तो इस तरह से आप जब करोगे खुद से इधर आएगा, तो इधर को पहले पढ़ो, उसको समझो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। कोशिश करोगे तभी होगा। देखो प्रोग्रामिंग हमेशा टाइप करने से, खुद से करने से उसको सॉल्व करने से ही आता है। अदरवाइज आप अगर सोच रहे हो रट्टा मार के प्रोग्रामिंग कर लोगे तो भैया मेरा वीडियो देखना बंद कर दो, मैं आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जिनको सीखना उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।